हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारी एक और नई बाइक की इंटरेस्टिंग वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त मनीष। सो आज हमारे सामने ऑल न्यू 2024 होंडा CBRS 350 एंड दोस्तों इसका भी आप देख रहे हैं न्यू एडिशन। काफ़ी ज़बरदस्त आपको बाइक देखने को मिल जाती है। एंड कलर की बात करें तो मेटेलिक ब्लू कलर अभी आप दोस्तों देख रहे हैं। एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो 2,19,000 रुपये दोस्तों इसका एक्स शोरूम प्राइस एंड ऑन रोड प्राइस आपको पड़ता है अप्रॉक्स 2.5 लाख रुपये। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2.5 लाख रुपए खर्च करने के बाद आपको इस बाइक में क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो पहले दोस्तों हम बात करेंगे इसके फ्रंट में लाइट सेटअप की, तो आपको राउंड शेप मिलता है एंड व्हाइट लाइट देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको AHO फीचर भी देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए आपको प्रॉपर मस्त आपको फील आने वाली इस बाइक को लेने के बाद। एंड मडगार्ड की बात करें ड्यूअल टोन में मिलता है फाइबर का, बाकी यहाँ पर आपको सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है कुछ इस टाइप से, बढ़िया मस्त लगती है देखने में। और क्या क्या मिलता है यहाँ देखिए, जो आपको इसमें फ्रंट में सस्पेंशन मिलेंगे वो दोस्तों आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको कवरिंग मिलती है रबड़ की, ताकि धूल मिट्टी इसके अंदर ना जाए। एंड साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको देख लीजिए रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है। डिस्प्ले आपको मिलती है दोस्तों 310 mm की ड्यूअल पिस्टन कैलिपर्स के साथ, एंड ये आपकी ड्यूअल चैनल ABS बाइक है दोस्तों। सो ब्रेकिंग काफ़ी जबरदस्त होने वाली है, स्टेबिलिटी। बाकी इसमें आपको मिल जाते हैं ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स, साथ में ही आपको ट्यूबलेस टायर। एंड टायर साइज़ की बात कर ले तो फ्रंट में आपको दोस्तों 19 इंचेस का टायर साइज देखने को मिलता है, ट्यूबलेस टायर आपका रहने वाला है। साथ ही हम बात करें अगर इसके कैलिपर्स की, तो यहाँ पर आपको देखिए फ्रंट में ड्यूअल पिस्टन कैलिपर्स कंपनी ऑफर करती है, रियर की बात करें सिंगल पिस्टन कैलिपर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया था, जो कि दोस्तों इसके हैं टर्न इंडिकेटर, वो आपको मिल जाते हैं दोस्तों LED में देखने के लिए। एंड बात करें अगर इनके डिज़ाइन की, तो काफ़ी आपको स्लिक डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस बाइक में आपको कितना CC का इंजन देखने को मिलता है। तो आपको 348 CC का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों आपकी 21 PS एंड 30 Nm का टॉर्क आपको बाइक जनरेट करके देती है। एवरेज अराउंड आपको 35 का देखने को मिल जाता है। यह है दोस्तों इसका एग्जॉस्ट, देख लीजिए काफ़ी मस्त है, काफ़ी लंबा है। एंड यहाँ देखिए आपको ब्रेक लीवर देखने को मिलता है, फुटरेस्ट देखने को मिल जाता है। एंड इंजन की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर आपको ये ना आप प्यानो ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाता है। एंड होंडा की इसमें आपको बैजिंग भी देखने के लिए मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया आपको मिलता है इंजन, देखने में काफ़ी अच्छा लेआउट है। सो आप देखिए यहाँ पर आपको दोस्तों मस्त बैजिंग देखने को मिलती है, CB350RS की बैजिंग मिलेगी, काफ़ी अच्छी तरीके से इसको लिखा गया है ना। एंड ये आपका प्लेन फुटरेस्ट है, जो कि आपको मिलता है एल्यूमिनियम का। ये पूरा आपको फ्रेम दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एल्यूमिनियम का, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको फ्रेम देखने के लिए मिल जाएगा। सो आप रियर सस्पेंशन की बात करें, तो आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, ट्विन हाइड्रोलिक, एंड जिन्हें आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। बाकी पीछे दोस्तों आपको मिलती है 240 mm की डिस्प्ले, जो कि आपके सिंगल पिस्टन कैलिपर्स एंड ड्यूअल चैनल ABS बाइक के साथ है। एंड बात करें अगर रियर टायर साइज की, तो आपको 150/70/17 inches का टायर साइज देखने को मिलता है, ट्यूबलेस टायर है, काफ़ी अच्छी आपको ग्रिप मिलने वाली है दोस्तों, है ना। मस्त आपको पूरी प्रोफाइल देखने को मिलती है। ये भी आपको दोस्तों जो पार्ट मिलेगा ये आपको ब्लू कलर, बट ये रहता है आपका एलुमिनियम का, तो उससे स्ट्रॉन्ग आपको फ्रेम देखने को मिल जाएगा। चलिए बैक प्रोफाइल में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, ये आपका मडगार्ड हो गया प्लास्टिक का, ड्यूअल टोन में देखने को मिलता है, टेल लाइट यूनिट कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलती है, काफ़ी डिजाइनिंग आपको टेल लाइट यूनिट देखने को मिलती है, जो कि आपकी रहती है LED में। एंड यहाँ देखो नंबर प्लेट की डेडिकेटेड पोजिशन है, आपको थोड़ा सा लाइट की प्लेसमेंट देखने को मिलती है नंबर प्लेट के लिए। एंड टर्न इंडिकेटर दोस्तों वो भी आपको मिल जाते हैं LED में, बाकी कुछ इस टाइप से इसका पीछे आपको हगर गार्ड देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए अब बात करें इसके सीट की, तो यहाँ देखिए आपको सीट थोड़ी छोटी है, सीट प्लेन को बैठने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, एंड कुशनिंग बाकी काफ़ी अच्छी है, आप पकड़ के भी बैठ सकते हैं इधर से, ना तो मतलब ठीक है। बाकी साइड से ही बात करें तो यहाँ पर आपको सारे प्रोटेक्शन देखने को मिल जाते हैं, मेटल के आपको पूरे प्रोटेक्शन, साड़ी गार्ड वगैरह फुटरेस्ट देखने के लिए ज़रूर मिलते हैं। एंड यहाँ बात करें तो ये आपका मैन स्टैंड हो गया, ठीक है, साइड में आपको साइड स्टैंड भी देखने के लिए मिल जाता है। एंड इसमें आपको 5-speed ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, यहाँ देखिए CB350RS की बैजिंग भी मिल जाएगी देखने के लिए। इस बाइक में आपको लेंथ मिलती है 2171 mm की, सीट हाइट आपको मिलती है 800 mm की, ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 170 mm का करीब करीब, ठीक है। अब ये आपका फ्यूल टैंक दोस्तों, जो आपका ड्यूअल टोन में देखने को मिलता है, 15 लीटर का इसमें आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है, 3 लीटर का इसमें आपको रिजर्व फ्यूल टैंक देखने को जरूर मिलता है। एंड यहाँ पर आप की लगा के इसका फ्यूल टैंक ओपन कर सकते हैं फिलअप कराने के लिए। बाकी दोस्तों ये सपोर्ट करेगा आपका E20 पेट्रोल, एंड ड्यूअल टोन में आपको ये फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगा। इधर देखिए आपको होंडा की बैजिंग मिलती है क्रोम एलिमेंट के साथ, बहुत शानदार आपको इसमें दोस्तों क्वालिटी देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ देखिए E20 आपका पेट्रोल जरूर सपोर्ट करती है बाइक। सो अब बात करते हैं तो दोस्तों इसके हैंडल बार की, तो आपको मेटल का हैंडल बार देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए होंडा की बैजिंग मिलती है, एंड की लगाने का स्पेस है कुछ इस टाइप से। एंड की बात करें तो देखिए इस टाइप की आपको काफ़ी बड़ी सी की देखने के लिए मिल जाएगी।
एंड दोस्तों इस बाइक में आपको स्लीपर असिस्ट क्लच भी देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए कुछ स्टेप से वर्क करता है एंड काफ़ी बढ़िया आपको इसमें फिट एंड फिनिश देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पर आपको सारे कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके मेन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, जो कि आपको दोस्तों डिजिटल या सेमी डिजिटल देखने के लिए मिल जाता है। स्पीडोमीटर की बात करें तो वो आपको एनालॉग मिलता है। बाकी छोटी सी डिस्प्ले जिसमें आपको फ्यूल गेज, गियर शिफ्ट इंडिकेटर एंड काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। प्रॉपर काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। इधर आपको दोस्तों स्विच की क्वालिटी में स्विचेस देखने को मिल जाते हैं। हॉर्न का हो गया, हजार्ड का बटन देखने को हो गया दोस्तों, टर्न इंडिकेटर, बाकी सारे आपके कंट्रोल्स, पासिंग लाइट आपको लेफ्ट साइड देखने के लिए मिल जाएंगे। सो राइट साइड की दोस्तों बात करें ना, तो यहाँ पर आप देख लीजिए आपको किल स्विच देखने के लिए मिल जाता है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। नीचे आपको दोस्तों हजार्ड का बटन भी देखने के लिए मिल जाएगा ना, काफ़ी बढ़िया आपकी फिट एंड फिनिश देखने को मिलता है। क्लस्टर भी कुछ इस टाइप से मिल जाता है, काफ़ी शानदार आपको क्लस्टर मिल जाएगा। सो दोस्तों इस बाइक में आपको 3 साल या 42,000 किलोमीटर तक की वारंटी मिल जाती है। तो दोस्तों ये था आपका कंप्लीट वॉक राउंड ऑफ ऑल न्यू होंडा CB350 RS न्यू एडिशन। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करना।